देख लो हाँ दिखाती हूँ। सो गाइस थोड़ी सी आपको नॉइस की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरी छोटी बेबी है जो बीच बीच में तंग करती है, इसलिए अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है अब वेट करो, आप ये देखो मम्मा ये डाल देती है। ठीक है आप दूसरा देख लो, एक मिनट गाइस। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू मिशु ज्वेलरी हॉल। एंड गाइस हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आज है करवा चौथ एंड मैं रेडी होके कथा वगैरह सब सुन के ना फ्री होके अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। एंड आज ना मैं आपको बहुत सारी ज्वेलरीज दिखाने वाली हूँ, जो कुछ तो मैंने वेयर भी कर रखी है एंड मैंने आज साड़ी ही पहनी है, तो उसके ऊपर ना ज्वेलरी अच्छे से खिल के आएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ज्वेलरी कैसी लगने वाली है, कैसी लगेगी। ठीक है सो ये फर्स्ट तो ये ब्यूटीफुल सेट आया है एंड ये रिंग भी मैंने वहीं से ऑर्डर करी है एंड ये चूड़ा भी मैंने वहीं से मंगाया है। एंड लिटरली गाइज इतनी अच्छी क्वालिटी है मुझे रिसीव हुआ है ना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आप जब वीडियो में देखोगे ना आपको तब पता लगेगा। ट्राई ऑन हॉल भी मैं आपको दिखाती रहूंगी, यहाँ पे वीडियो भी आपको दिख जाएगी, आपका तो वेयर कैसा लग रहा है एंड प्राइजेस वगैरह भी सब आपको पता लग जाएंगे। प्राइस जो स्टार्टिंग है ना ओनली 60 रुपीज से स्टार्टिंग, आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें मैंने मंगाई है वहां से। काफी सारे पार्सल है, मैं आपको पार्सल दिखा देती हूँ। एंड उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को कर लो एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये सारे पार्सल मुझे वहां से रिसीव हुए हैं, वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहां से क्या क्या मंगाया है। ठीक है सो फर्स्ट गाइस ये रिंग आई थी इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में आई थी ये वाली रिंग जिसको मैंने इस टाइम वेयर कर रखा है एंड आपको वीडियो भी दिख जाएगी यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी दिख जाएगी। ठीक है मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो गाइस ये फर्स्ट रिंग है, जस्ट 66 रुपीज की आई है, ओनली 60 रुपीज की है, 66 रुपीज के लाइक 70 रुपीज के आप लगा लो 70 रुपीज की रिंग आई है। इतनी प्यारी है यार, बहुत सुंदर है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी, ये चीज ना बहुत ज्यादा हल्की है बट पहनने पर बहुत सुंदर लग रही है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है एंड आपको वीडियो भी दिख रही होगी यहाँ पर तो उससे भी आपको पता लग जाएगा, बहुत सुंदर रिंग है ओनली 66 रुपीज की है। ठीक है सो फर्स्ट मुझे वहां से ये रिसीव हुई थी बहुत। सो नेक्स्ट ये वाला पार्सल ओपन करते हैं। इसको वैसे मैंने सारे पार्सल ना इस टाइम ओपन करके देख लिए हैं, आप लोगों के सामने मैं ओपन करके दिखा देती हूँ क्योंकि ना कई बार ना ज्वेलरी के अंदर ब्रोकन भी आ जाती है तो इसलिए मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया था। चलो जब नेक्स्ट आएगा ये ब्यूटीफुल सा चोकर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है ये वाला चोकर है, पर्ल में आएगा गाइस ये वाला ना, बहुत प्यारा है, इस टाइम ट्रेंडी भी है, लाइक मैंने देखा है कई लोगों को पहनते हुए वाला एंड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आफ्टर वियर कैसा लग रहा है। सो ये ब्यूटीफुल सा चोकर आएगा, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है एंड आपके रिंग से मेरी रिंग से मैच हो रहा है यार ये तो, ये बहुत सुंदर लगेगा ये देखिए, वाओ प्रिटी। सो ये चोकर आएगा एंड इसकी क्वालिटी सीरियसली बहुत अच्छी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आफ्टर वियर कैसा लग रहा है। एंड इसी के साथ आई थी ये ब्यूटीफुल से स्टड, ये देखिए कितने सुंदर से स्टड भी, बहुत प्यारे हैं एंड पहने हुए सच में बहुत सुंदर लगेंगे, लाइक सीरियसली बहुत अच्छे लगेंगे, देखिए नाइस। आपको नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ये वाला सेट है, बहुत प्यारा सा है। सो गाइस नेक्स्ट मैं ये वाला पार्सल ओपन करती हूँ। ठीक है ये भी बहुत प्रिटी सा सेट है, हाँ ये सेट ही होगा आई थिंक, टेम्पल ज्वेलरी है ये भी, बहुत प्यारी लग रही है। तो नेक्स्ट ये वाला सेट आएगा, ये भी बहुत प्यारा सा है एंड वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना, आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। नेक्स्ट गाइज ये वाला है, ये बहुत प्यारा सा ना टेम्पल ज्वेलरी है जो आजकल बहुत ट्रेंडी है, आई थिंक बहुत चल रही है। ये यहाँ पे नहीं है, लक्ष्मी जी पता नहीं गणपति जी कुछ बन रहे हैं, लक्ष्मी जी बन रही है आई थिंक, और बहुत सुंदर है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्ट कितने का था ये, आई थिंक 200 समथिंग का था, ये भी 200-300 का था पर बहुत सुंदर है, ये देखिए कितना प्रीटी लग रहा है। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आफ्टर वियर कितना सुंदर लग रहा है ये। ठीक है इसके साथ ये इयररिंग आए थे, ये सेट आया था एंड ये ब्यूटीफुल से इयररिंग आए थे, बहुत छोटे छोटे से है पर बहुत क्यूट से है, लक्ष्मी माता बनी हुई है इसमें, बहुत सुंदर है ये देखिए, ये टेम्पर्ड वाले इयररिंग्स है, इसमें लक्ष्मी माता पता नहीं कौन सी माता है पर कोई तो है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी, बहुत क्यूट से है ट्रेडिशनल, आप जैसे कि इस तरह के साड़ी पहनते हो ना उसके ऊपर ये वाली ज्वेलरी बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है बाकी आपको इसी में दिख रहा होगा। नेक्स्ट ये वाली ज्वेलरी थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जस्ट 200-300 रुपीज के अंदर की ज्वेलरी है। उसके बाद मैंने ये वाला ज्वेलरी मंगाया था,
ये मुझे थोड़ा महंगा लगा है। मैंने इसके लिए 500 रुपीज पे करे हैं, 500 समथिंग है, बट उसके अकॉर्डिंग ना ये मुझे थोड़ी सी हल्की लगी क्वालिटी के अंदर, एंड लुक वाइज इसकी क्वालिटी हल्की लगी। वो आपको मैं दिखाती हूँ, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। ये लीजिए, तो ये ज्वेलरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। ये देखिए, पिक्चर ना आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मुझे लगा था ये कुछ इस तरह का आएगा क्योंकि ये भी 500 समथिंग का था एंड ये वाला भी 500 कुछ का है, बट उसके अकॉर्डिंग ना मुझे इसकी क्वालिटी भी हल्की लगी है एंड इसका मतलब बहुत ही हल्की क्वालिटी का। यार मैं रिटर्न करूंगी ये वाला तो, क्योंकि 500 के अकॉर्डिंग ना मुझे बहुत हल्का लगा ये वाला सेट। ही देखिए, बहुत ही हल्का लगा है, मुझे इतना खास पसंद भी नहीं आया। पिक्चर में बहुत प्यारा लग रहा था बट एक्चुअल में ना मुझे नहीं अच्छा लगा ये वाला सेट। इसके साथ ये वाला चोकर आएगा, ये सेट आएगा, एंड इसी के साथ आएंगे इयररिंग्स। इसके इयररिंग्स आएंगे झुमके में, ये थोड़े से अच्छे हैं बट सेट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये लीजिए, ये इसके साथ झुमके आएंगे। 500 के अकॉर्डिंग ना मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा बट इसकी वर्थ इट भी नहीं है, एंड जैसा पिक्चर में दिख रहा था ना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बहुत ही छोटा सा है ये, मतलब गले में दिखेगा ही नहीं। हाँ, सो उसके अकॉर्डिंग ना मुझे ये बहुत छोटा सा लगा है। पिक्चर में तो बहुत सुंदर लग रहा था बट जैसे मैंने मुझे रिसीव हुआ है मुझे ना उतना पसंद नहीं आया ये, तो मैं इसको रिटर्न ही करूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा वैसे ये वाला सेट। इतना 500 के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है। सो नेक्स्ट है ये वाला पार्सल, इसे भी ओपन कर। ये बहुत प्यारा है। नेक्स्ट ये वाला है सेट, बहुत प्रिटी है एंड इसमें ना आपको कम से कम 5 to 6 कलर्स मिलेंगे। प्राइस इसका ओनली 156 रुपीज का है या फिर 150 का ही है। अंडर 150 रुपीज के अंदर आपको इतना प्यारा सेट मिल रहा है ना, एडी के अंदर है। आप इसकी वो देखिए, शाइन कितनी प्यारी है यार, सच में इतना सुंदर लग रहा है ना ये वाला सेट, मुझे लिटरली इतना पसंद आया है ये, एंड जस्ट 150 का है। आप इसे इंडो वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो, वेस्टर्न पे भी वेयर कर सकते हो, बहुत क्लासी लगेगा, सीरियसली बहुत क्लासी लगेगा। आपको पिक्चर में भी वीडियो में भी दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है वेयर करने के बाद। तो इसमें मैंने मंगाया था ब्लैक कलर, बट मैंने ब्लैक नहीं, मैंने ना डार्क ब्लू कलर मंगाया था, उन्होंने ब्लैक भेज दिया, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये वाला सेट है, इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसको प्रॉपर निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे वेयर नहीं करना अभी, इसके बाद मैं इनका अलग से ही शूट करूंगी तो आपको वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट ये वाला सेट था, जस्ट 156 रुपीज का। यार क्या ही लोगे, इतना सुंदर सेट है ये, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट ना ये वाला सेट भी है, बहुत प्रिटी है। मैं आपको ना इसको खोल के दिखाती हूँ प्रॉपर, आपको ऐसे नहीं पता लगेगा। तो नेक्स्ट है गाइस, ये ब्यूटीफुल सा चोकर सेट, एंड सीरियसली इतना प्यारा सेट है ना, इसकी क्वालिटी देखो कितनी सुंदर है, एंड आफ्टर वेयर भी ना बहुत सुंदर लगता है, एंड जस्ट 500 कुछ का था, बट सीरियसली क्वालिटी इतनी अच्छी है ना इसकी, एक्सेस मैं ऐसे ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आपको रिसीव होगा ना, अगर आप ये बाय करते हो तब आपको इसकी एक्चुअल क्वालिटी पता लगेगा कि हाँ कुछ तो है 500 रुपीज के अंदर। ठीक है, सो सेकंड ये वाला है, एंड इसके साथ ना ये वाले डैंगल्स आए थे, देखिए कितने सुंदर डैंगल्स है। सो ये वाले डैंगल्स आए थे जो मैंने आज करवा चौथ के दिन यही वाली ज्वेलरी, बाबू कोई नहीं आप देख लो। सो मैंने करवा चौथ के दिन ना यही वाली ज्वेलरी वेयर करी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, पर मतलब मेरी ड्रेस पे ना इसी ज्वेलरी ने 4 चांद लगा दिए थे, बहुत सुंदर ज्वेलरी है, बहुत प्यारा सेट है। अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो गो फॉर इट, इसके लिए तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। एंड कई चीजें मैंने ऐसी बताई है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि हाँ आप बाय कर सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट ये वाला सेट है, बहुत प्रिटी है। सो नेक्स्ट गाइस, ये वाला चूड़ा है जो मैंने मीशो से बाय करा था, एंड लिटरली इतना अच्छा लगा है ना मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा है। अंडर 500 रुपीज के अंदर है, अगर आपको बाय करना है तो गो फॉर इट गाइस। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। इसके साथ ना आप आगे कुछ भी मिक्स एंड मैच करके भी चूड़ा बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ये वाला चूड़ा था जो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया है, अगर आपको बाय करना है तो गो फॉर इट, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कड़े बाय करे थे वहां से, क्योंकि ना मुझे चूड़ियां पहनने का सूट पर साड़ी पे ना बहुत अच्छा लगता है, सो उसके लिए मैंने ये वाली बैंगल्स ऑर्डर करे थे वहां से। सो नेक्स्ट मैंने ये कड़े ऑर्डर करे थे, ये भी बहुत सुंदर से है। इसमें मैं आपको प्रॉपर, अभी तो मैंने ओपन भी नहीं करा, ऐसे ही देखा है, मैंने साइज तक नहीं देखा मेरे को साइज आएगा भी या नहीं। वाओ, सो क्यूट, सो नाइस, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सीरियसली इतना सुंदर लग रहा है ना ये, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आई लव दिस, बहुत प्यारा सा सेट है ये भी।
एक हाथ का ये वाला है। मुझे ना मेन ये दो कड़े चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास ना पहले भी थे ये वाले कड़े, वो खराब हो गए। और ये वाली चूड़ी अभी ना बहुत ज्यादा काम आती है, किसी सिंपल चूड़ी के अंदर आप एक कड़े लगा लेते हो ना, बहुत सुंदर लगती है। मुझे शौक है, मैं प्लेन चूड़ी के साथ ना कोई कड़े लगा के पहनना पसंद करती हूँ। सो उसके लिए मैंने ये चार चूड़ियाँ मंगाई थी एंड चार ही कड़े मंगाए थे। आपको वीडियो में दिख जाएंगे आफ्टर वेयर कैसे लग रहे हैं। आप इसमें ना चूड़ी वगैरह मिक्स एंड मैच करके भी पहनोगे ना तो भी सुंदर लगेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ये वाले सेट था। सो यस गाइज, यही ज्वेलरी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय।